बीएमसी की शिकायत पर किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है आपको बता दें, यहाँ पर एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाने में उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर और सुशील शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि आदित्य ठाकरे ने एनएम जोशी मार्ग पर नए बने पुल का जबरन उद्घाटन किया। एफआईआर के मुताबिक 16 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे आदित्य ठाकरे और उनके साथी नेताओं ने भीड़ इकट्ठी कर अधूरे बने लोअर परेल के ब्रिज का बैरिकेड हटाकर उस पुल के लिए उसका रास्ता वहां खोल दिया, जिससे बाद में वहां से गाड़ियां आने जाने लगी और ऐसे में वहां खतरा पैदा हो जाता है। और मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, ये पूरा मामला एक बार समझाएं, हुआ क्या था जिसके बाद ये एफआईआर हुई है? लोअर परेल इलाके में एक पुल है जो कि बन रहा था, उसका एक तरफ का खुल गया था लेकिन दूसरी तरफ से खुलना अभी बाकी था। वो पुल जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके लोअर परेल इलाके में, और पूरा इलाका जो है मराठी बहुल इलाका है और वहाँ पे जो है कि खुल नहीं रहा था। इसके लिए गुरुवार को अचानक से रात में आदित्य ठाकरे जो कि विधायक हैं वो, और साथ में दो और विधान परिषद के सदस्य सचिन अहिर और सुनील शिंदे हैं, और साथ में जो पूर्व महापौर हैं किशोरी पेड़नेकर वो भी वहां पहुंच गए। और उन्होंने जो बैरिकेड लगा था पुल का वो हटा के जबरदस्ती उस पुल पर दिया और वहां पे यातायात उन्होंने शुरू करा दिया। इसको लेकर जो है कि बीएमसी ने एनएम जो मार्ग पुलिस थाना है उसकी शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि जिस तरह से एक पुल का अभी काम चल रहा था, ब्रिज लगाया गया था और उसको हटाकर एक तो जो मोटर वाहन वाले चालक हैं उनके भी जान के लिए खतरा पैदा किया गया, दूसरे सरकारी काम में बाधा डाली गई। तो इस तरह के मामले को देखते हुए बीएमसी ने शिकायत की और फिर अब एफआईआर दर्ज की गई है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। सचिन अहिर, सुनील शिंदे को भी आरोपी बनाया गया है और धारा 143, 149, 336 और 447 के तहत मामला फिलहाल दर्ज किया गया है। स्वाभाविक तौर पर ये एक राजनीति है, जिस तरह से अभी चुनाव आने वाला है और कामों का श्रेय लेने वाली जो बात होती है वो जो है कि सामने उभर कर आ रहा है कि इस एफआईआर के बाद उद्धव गुट की तरफ से कोई रिएक्शन जो अभी तक कोई अधिकृत तौर पर रिएक्शन अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ देर बाद अभी संजय राउत जब बात करते हैं मीडिया से तो उसमें वो उस तरह अपना बयान जारी कर सकते हैं या फिर इसके बाद आगे जो है दिन में देखना होगा, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।